तो बिडलो कैसे हो। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो बनाई गई है टॉप 10 मूवीज इन 2021, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रॉम माय लिस्ट। क्यों? क्योंकि 2021 में जितने भी मूवीज निकली है, चाहे वो थिएटर के हो या ओटीटी के हो, तो मैंने ऑब्वियसली सारी नहीं देखी है। तो जो मैंने देखी है वही है ये टॉप 10 लिस्ट में। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने टॉप 10 लिस्ट में कोई बेस्ट मूवी नहीं डाली है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए। और हाँ, ये जो टॉप 10 मूवीज़ है ये मेरे एक्सपीरियंस और फीलिंग्स के हिसाब से रैंकिंग पे हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, इसे इस नंबर पे होना चाहिए था, फोर नंबर को इस फिफ्थ नंबर पे होना चाहिए था, तो अपना एक्सपीरियंस और अपना फीलिंग्स के हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। तो सोचो 10th नंबर पे कौन होगा। हिंट है, छिपकली वर्सेस बंदर। तो 10th नंबर पे है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। तो ये मूवी मैंने देखा था थिएटर में अपने भाईचारे और कुत्ते वाले दोस्तों लोगों के साथ, और मुझे बहुत मजा आया था। और 2020 के सिचुएशंस के बाद ऐसी मूवी की बहुत नीड थी जो कि पूरी हुई, और इसका स्टोरी और कॉन्सेप्ट अच्छा था। लेकिन अगर आप लोग इसके टीवी स्क्रीन्स या लैपटॉप स्क्रीन्स पे देखोगे तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में देखने लायक है। तो चलिए बढ़ते हैं 9th नंबर की तरफ, और इसका हिंट है ऊपर मत देखना। तो 9th नंबर पे है डोंट लुक अप। इसका मैंने शॉर्ट रिव्यू अभी हाल ही में किया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ शॉर्ट में कि एक कॉमेट गिरने वाली है 6 महीनों में अर्थ पे, और इसके बारे में दो साइंटिस्ट को पहले से ही पता चल जाता है, और वो दोनों पूरी दुनिया को बताते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मानते नहीं है कि है ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कॉमेट गिरने में भी फायदा खोजते हैं। सही में दिमाग से ढकलेल थे क्या? तो चलिए अब बढ़ते हैं 8th नंबर की तरफ, और इसका हिंट है कि इसका नाम भी शुरू होता है 8 से। तो 8th नंबर पे मूवी है 83, जो कि स्पेशली बनी है क्रिकेट फैंस लोगों के लिए, जैसे कि मैं और भी बहुत लोग इंडिया में। जो लोग 1983 में नहीं थे, जैसे कि मैं नहीं था और भी बहुत लोग नहीं थे, हम लोग को ये मूवी दिखाती है कि उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट स्पोर्ट्स के क्या सिचुएशंस थे, और जब कपिल पाजी वर्ल्ड कप लेके आते हैं तो उस टाइम पे क्या मूवमेंट्स थे। तो चलिए बढ़ते हैं 7th नंबर की तरफ, और इसका हिंट ये है कि मैंने अभी हाल ही में इसके बारे में रिव्यू डाला था। तो 7th नंबर पे है मिन्नल मुरली। पहला बात तो ये है कि एक इंडियन सुपर हीरो मूवी है, दूसरा बात ये है कि इसमें एक न्यू स्टोरी है, तीसरा बात यह है कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी है, और सबसे मेन बात यह है कि इसमें बेस्ट विलन है। और क्या चाहिए इसमें। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इसके बारे में पहले एक बार रिव्यू कर चुका है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 6th नंबर की तरफ, और इसका हिंट ये है कि एक मार्वल मूवी है। गेस करो, गेस करो, गेस करो। 6th नंबर पे है मार्वल का फर्स्ट एशियन मूवी शांग्ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स। ये मूवी सीधे आई है थिएटर्स पे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद। ब्लैक विडो भी निकली थी बट इंडिया में रिलीज नहीं की गई थी। शांग्ची मूवी का सीजीआई और एक्शन सीन्स बहुत ऑसम था, बस स्टोरी कुछ ज़्यादा नया नहीं था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शांग्ची का बहुत अच्छा था, और ये मूवी अगर आप टीवी स्क्रीन्स या लैपटॉप स्क्रीन्स में देखोगे तो मज़ा तो आएगा, बट थिएटर में जो एक्सपीरियंस मिलता है वो नहीं कर पाओगे। तो अब चलते हैं 5th नंबर पे, और इसका हिंट ये है कि एक पेट्रियोटिक फिल्म है। 5th नंबर पे है शेरशाह मूवी, एंड शेरशाह मूवी इज़ अ मस्ट वॉच मूवी फॉर इंडियन पीपल, क्योंकि हम लोग अपने इंडियन आर्मी से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, और अपने नेशन से भी। और जब इस टाइप की मूवी आती है विद द ग्रेट डायरेक्शन तो मूवी हिट करती है हमें। लास्ट मूवी आई थी उरी, और अब आई है शेरशाह, और इसके जो कास्टिंग थे उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, और इसके सॉन्ग्स तो इतने अच्छे थे कि अभी भी चल रहे हैं। सो अगर आप लोग ये मूवी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, और इस मूवी के लास्ट में वाला गाना नहीं देना चाहिए था। तो चलिए अब 4th नंबर पे बढ़ते हैं, और इसका हिंट ये है कि एक डीसी मूवी है। तो 4th नंबर पे है डीसी का जैक स्नाइडर कट जस्टिस लीग यू। ये मूवी कहीं ना कहीं डीसी फैंस के लिए बहुत बड़ी ट्रीट थी, और मेरे लिए भी था। मैंने डीसी की सारी मूवीज देखी है, और कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद टूट गई थी आफ्टर वॉचिंग जस्टिस लीग यू पुराना वाला, लेकिन जब मैंने सुना कि जैक स्नाइडर कट आ रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था अंदर, और जब मैंने देखा उस मूवी को तो मज़ा ही आ गया।
क्या बताऊं। और मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि ये मार्वल का इन्फिनिटी वॉर था और पता नहीं कब एंड गेम आएगा। लेट्स होप दैट। तो थर्ड नंबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये तीन मूवी 2021 के सबसे बेस्ट मूवीज लगे मुझे और उसी के हिसाब से मैंने इन्हें रैंकिंग दी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ और नो हिंट। थर्ड नंबर पे जो मूवी है इसका नाम है ड्यून और ड्यून एक मास्टरपीस मूवी है। आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी फेंक रहा है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप लोग इसके बारे में कुछ जान के जाते या इसके बेसिक्स आइडियाज भी जान लेते तो आप लोगों को डेफिनेटली ये एक मूवी मास्टरपीस ही लगती और बहुत अच्छी लगती। इसके जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर अच्छी निकली बाय चांस तो ये मूवी बहुत बड़ा नाम करने वाली है। इसका जो BGM था वो गूज़बम्स दे देता था और इसका जो CGI था वो बवाल था। तो अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर पे जो मूवी है वो है मार्वल का स्पाइडरमैन नो वे होम। इस मूवी के लिए मेरे अंदर इमोशन है, प्यार है, क्या है मेरे को भी नहीं पता। इस मूवी में भले ही कमियाँ होंगी लेकिन मैं कभी इसमें निकालूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो लोग आते हैं वो हमारा प्यार है, वो हमारा दिल का करार है, वो सब कुछ है मेरे लिए। तो मैं इस मूवी में कभी कमियां नहीं निकालूंगा, भले ही तुम लोग इसमें मेरे को मार्वल का दलाल बोल दो, मार्वल का कुत्ता बोल दो, कुछ भी बोलना बोल दो, मैं सुन लूंगा, लेकिन मैं इस मूवी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलूंगा। ये मूवी डिजर्व करती है सेकंड रैंकिंग पे होने का। तो फर्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत कंफ्यूज था क्योंकि दो मूवी ऐसी थी जो डिजर्व करती थी फर्स्ट पे रहना। मैं ये भी नहीं कर सकता था कि उनमें से किसी को सेकंड पे कर दूं, स्पाइडरमैन नो वे होम को थर्ड पे कर दूं, मैं ये भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो दोनों डिजर्व करती है फर्स्ट पोजीशन पे रहना, इसलिए मैंने दोनों को ही फर्स्ट पे रख दिया है। तो फर्स्ट पोजीशन पे है दो मूवी जिनका नाम है, पहला तो सरदार उद्धम और दूसरा है जय भीम। सरदार उद्धम इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और ये मूवी हर जन के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने इस मूवी को देखा तो मेरे दिमाग से 3-4 दिन तक तो ये मूवी हटी ही नहीं। और इसके जो लास्ट आधे घंटे के जो सीन्स है वो आपको हिला के रख देंगे, मेरी तो रूह निकाल के चलती। इसके जो कास्टिंग थे और डायरेक्शंस थे वो बहुत अच्छे थे, खासकर विकी कौशल इस मूवी में पूरी जान ले आते हैं। दूसरी तरफ है जय भीम और जय भीम इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट इन 1993। इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे उस टाइम पे भी कास्ट पे भेदभाव किया जाता था, जो कि आज भी किया जाता है। तो उस टाइम पे एक औरत थी जिनका नाम था सिग्नी, जो अपने पति को खोज रही थी जिनका नाम था राजा कुन्नू। वो मिसिंग हो गए थे पुलिस कस्टडी से, तो एक वकील था जिनका नाम था चंद्रू, वो इस औरत के लिए केस लड़ते हैं। और यहाँ पर तीन ऐसे ऑनरेबल मूवीज़ हैं जो कि सेलेक्ट नहीं हुए हैं मेरे टॉप 10 2021 मूवीज़ की लिस्ट में बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स। और ये मूवीज़ के नेम हैं फ्री गाय, अतरंगी रे एंड सुसाइड स्क्वाड। तो बताइए आपको कैसे लगी मेरी टॉप 10 2021 मूवीज़ की लिस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप सपोर्टिंग माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी एंड फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।